व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस तरीके की जो चीजें हैं, अगर आप लोग कुछ एजुकेशन के बारे में लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को एक दो दिन का अगर आप लोग गैप लेना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाहते हैं तो रिफ्रेश आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में मुझे लगता है कि आप लोगों को बैक टू द पवेलियन आ जाना चाहिए। मैक्सिमम 4 दिन का गैप लीजिए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम भी अब की बार आप लोगों के पास में कम है। और बिल्कुल सही पैटर्न में अपने आप को ढालकर पूरा प्रिपरेशन के जोन में आ जाइए फिर से, ठीक है। क्योंकि देखिए, लंबे समय तक अपने आपको कोसते रहना, अगर गलत कुछ हुई है या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं तो कोई मतलब नहीं है। और अगर सिलेक्शन हो रहा है उसके चलते भी आप लोगों को टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसलिए अपने फिर से एक सही ट्रैक पे आकर चीजों को आगे लेकर बढ़ के चलना आप लोगों को। तो वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में यहां पर बात की जा रही है। 5 जो अक्टूबर है यहां पर ये उसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल टीचर डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जो एजुकेटर हैं, इंक्लूडिंग टीचर, रिसर्चर, प्रोफेसर जो रहते हैं वर्ल्ड वाइड, तो किस तरीके से वो रोल प्ले कर रहे हैं अपना, तो इसको बेसिकली यहां पर काउंट करने की कोशिश की जाती है। ये जो डे है यहां पर, ये कई सारी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन सारी इकट्ठा हुई, उन्होंने एक दूसरे को बोला कि यार देखो ये डे है ना, मिलकर इकट्ठा सेलिब्रेट करते हैं, अकेले से काम नहीं चल पाएगा। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग यूनेस्को बोलते हैं, इसी के साथ में यूनिसेफ जिसको आप लोग बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, तीसरी है यहां पर लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, और यहां पर नेक्स्ट यहां पर एजुकेशन इंटरनेशनल। तो ये 4 एजुकेशन से रिलेटेड जो यहां पर कनेक्टेड ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलकर यहां पर काम करती है और ये मिलकर यहां पर इस डे को सेलिब्रेट करती हैं। क्योंकि जो टीचर का रोल होता है वो काफी अहम होता है लाइफ में, तो किस तरीके से एक अच्छे टीचर सोसाइटी में लाए जा सकते हैं उसके ऊपर बेसिक एक पर्पज रहने को देखते हैं। क्योंकि कई सारे जो टीचर होते हैं, अगर आप लोग देखें तो बच्चों का जो भविष्य होता है वो एक तरीके से संवार भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। अगर बुरी बुरी उनको संगत में डाला जाए और बुरी बुरी सलाह दी जाए बच्चों को कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो कई सारे बच्चों की जो लाइफ है वो बर्बाद भी हो जाती है। तो टीचर जो होना चाहिए वो खासकर बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है उसको लेकर काफी सेंसिटिव होना चाहिए, उसको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करें, क्योंकि वो भी उस फेज से निकल कर आया है, तो उसको पता रहना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम बच्चा फेस कर सकता है। इसी के साथ में बच्चों से बात करनी चाहिए, उनके जो भी फीडबैक है उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये सारी चीजें तभी एक टीचर के साथ में, बच्चे के साथ में कनेक्ट हो पाएगा। इसी के साथ में जो थीम है यहां पर बोला जा रहा है, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, यानी कि क्राइसिस में अग्रणी भूमिका यहां पर निभा रहे हैं। इसी के साथ में री इमेजिनिंग द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर को फिर से री इमेजिन करना, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन में सब कुछ चीजें जो थी वो एक तरीके से बोल सकते हैं ठप पड़ गई थी, रुक गई थी सारी चीजें। तो फिर से कैसे आप लोग जो टीचर है उसका रोल आप लोग देखते हैं, क्योंकि अब टीचर जो है काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को चीजें ऑनलाइन देखने को मिल रही है, तो वहां पर भी कई सारे टीचर कई सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इस टाइम में कैसे सिचुएशन को सही तरीके से लेकर चला जा सकता है, तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट जो यहां पर ये डे है ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, बात की जा रही है वर्ल्ड हैबिटेट डे के बारे में। वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है यहां पर ये फर्स्ट मंडे जो अक्टूबर का होता है उसमें देखने को मिलता है, और अब की बार जो फर्स्ट मंडे है वो है 5 अक्टूबर, तो इसलिए यहां पर ये अब की बार 5 अक्टूबर को देखने को मिल रहा है 2020 में ये डे। इसमें क्या होता है, बेसिकली जहां पर आप लोग रहते हैं, जो रहने का आवास होता है उसके बारे में बात की जाती है। तो यहां पर एक तरीके से ऑल ओवर जो वर्ल्ड सिटीजन है उनकी ये ड्यूटी रहती है किस तरीके से सेव करना है उनको फ्यूचर को, सिटीज को और टाउन को, तो ये बेसिक पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो थीम भी कुछ ऐसे यहां पर आप लोगों के सामने बोला जा रहा है, हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर, ठीक है। तो यहां पर जिस तरीके से हमारी कंट्री में बात करते हैं ना हाउसिंग फॉर ऑल, तो उसी के पैटर्न पर ये थीम है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थीम है, हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रखिएगा। तो वर्ल्ड हैबिटेट डे के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाता है थीम से रिलेटेड भी, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। एक बात और मैं आप लोगों को बोल दूं, अगर अब की बार कोई क्वेश्चन इस तरीके का नहीं पूछा गया है, अगर अब की बार कोई किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के बारे में नहीं पूछा गया है, अगर अब की बार कोई स्कीम कम पूछी गई है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आगे भी यूपीएससी आप लोगों को इसी पैटर्न में लेकर चलने वाली है। क्योंकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल एजेंसी है, उसको जितना शानदार तरीके से अगर आप लोग प्रिपेयर करना है तो एक तरीका है कि कोशिश करो कि जो भी चीजें करंट में चल रही हैं उसके बैकग्राउंड में जाकर चीजों को आप लोग तैयार करो, तभी आप लोग यूपीएससी के साथ में लड़ पाओगे, वरना यूपीएससी के सामने आप लोग घुटने टेक दोगे, तो ये कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि दुश्मन का नेचर आप लोग को समझना पड़ेगा अगर उसके साथ में लड़ना है, तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा समझ कर चलिए और स्टार्टिंग से ही अपनी प्रैक्टिस वो अच्छे से लेवल पर लेकर आप लोगों को चलनी है। फिर से बोल रहा हूं, कोई भी टेस्ट सीरीज या पुरानी कोई भी चीजें आप लोग स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने आप को एनालाइज कीजिए कि क्या क्या आप लोगों की प्रॉब्लम है और कहां कहां पर आप लोगों को काम करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि पहले यूपीएससी से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, उसके बाद में आप लोग किसी और साइड में आप लोगों को चलना है।
तो ये चीजें हैं कुछ जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। कल आप लोगों की इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है कुछ, एक तो वीडियो कोशिश करूंगा कि मैं लगभग 7:10 या 11 बजे के करीब डालूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखता हूं, जब भी टाइम मिलेगा उसी के हिसाब से कुछ रिलेटेड है, गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो है जो मुझे लगता है कि आप लोगों के पास में होनी चाहिए। कुछ डाउट्स जो आप लोगों के लग रहे थे उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो कई सारी वीडियो अभी आप लोगों को आने वाले वीक में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। फिर जब यहाँ पर कई सारे बच्चे जो है वो यूपीपीसीएस के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आई थिंक शायद 12 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का पेपर है, तो उसके चलते आप लोग उसको निपटा लीजिए। जो भी बच्चे दे रहे हैं, कई सारे दूसरे राज्य के बच्चे भी यहाँ पर इस तरीके से पेपर देने जाते हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से निपटा लीजिए। उसके बाद में फिर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर फिर आकर एक तरीके से सही तरीके से स्टडी स्टार्ट करेंगे। काफी सारा एक पोर्शन है जो यहाँ पर एक तरीके से जो यूपीपीसीएस देते हैं वो बिल्कुल एक तरीके से कहीं ना कहीं जैसे राजस्थान पीसीएस के बारे में आप लोगों को बताया था कि कहीं ना कहीं यूपीएससी के पैटर्न पर देखने को मिलता है, तो यूपीपीसीएस में भी कुछ टाइम से यूपीएससी के पैटर्न पर ही लगभग कर दिया गया है। वो एक अलग बात है कि वहां पर दो ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग पैटर्न है। तो ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। किसी भी स्टेट के एग्जाम की अगर तैयारी करें, थोड़ा सा लोकल एरिया पर आप लोग फोकस देकर चला कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने, इसके बारे में थोड़ा सा नजर डालते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है इंडिया के बारे में बात की जा रही है कि इंडिया जो है वो अबव नॉर्मल मॉनसून जो है वो रिसीव कर रही है। फोर्थ मंथ जब यहां पर बात की गई, यहां पर वेस्ट जो हमारी कंट्री में साउथ वेस्ट जो मॉनसून आता है उसका, तो जून से लेकर सितंबर तक का टाइम ड्यूरेशन यहां पर काउंट किया जा रहा है। अगर मैं अपनी कंट्री के बारे में आप लोगों से बातें करूं तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। अगर यहां पर आप लोग मॉनसून का ड्यूरेशन एक तरीके से देखेंगे और डायरेक्शन देखेंगे, तो ये आप लोग देखें यहां पर, ये हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। हमारी कंट्री में जो नॉर्मली मॉनसून आप लोगों को देखने को मिलता है वो साउथ वेस्ट मॉनसून होता है। तो ये ज्यादा मॉनसून जो हमारी कंट्री में एंट्री करते हैं, तो जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये काफी इंपोर्टेंट टाइम ड्यूरेशन आप लोग बोल सकते हैं, जो हमारी कंट्री में मॉनसून का टाइम ड्यूरेशन माना जाता है। तो इसी के बेस पर हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है वो काफी फलती फूलती है, कई सारी जो रिवर है साउथ इंडिया की, ठीक है, जो इसी के बेस पर चलती है, तो इस तरीके से काफी इंपोर्टेंट सीजन आप लोगों को देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको आप लोग IMD बोलते हैं, उसके द्वारा सेकंड जो कंसेक्यूटिव ईयर बोला गया कंट्री में जो कि मॉनसून यानी कि एक तरीके से बारिश जो है वो अबव नॉर्मल देखने को मिल रही है, यानी कि जितनी एक्सपेक्ट इनके द्वारा की गई थी उससे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रही है। और यहां पर कुछ अंदर की ये बातें जो आप लोग याद रखिए, क्योंकि अब की बार कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है, बच्चों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाँ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ही पता होनी चाहिए। पर लेकिन मैं ये बोलूंगा, देखिए ये किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेक्शन होता है वो लगभग अगर 50 क्वेश्चन आप लोग प्रॉपर वे में बिल्कुल सही कर आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों का टारगेट जो रहना चाहिए वो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन के बीच, अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो आप लोगों का टारगेट रहना चाहिए, उसमें क्लियर हो जाता है कट ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कई सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं लगभग 8 से 10 या फिर 15 क्वेश्चन के करीब जो कि सर से जाते हैं सबके, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितना ही रिसर्च कर लो, स्टडी कर लो, उनके आंसर आप लोगों को ना कहीं ढंग से मिलेंगे और एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबल वो चीजें रहती हैं। वो क्वेश्चन इसलिए होते हैं ताकि बच्चे को उसमें घुमा दिया जाए और उसका टाइम वेस्ट हो जाए, तो टाइम वेस्ट करने के क्वेश्चन होते हैं, तो यूपीएससी आप लोगों के माइंड के साथ में खेलती है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जहां तक आप लोग कर सकते हैं वहां तक जरूर चीजों को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो बात की जा रही है वीक मॉनसून, वीक मॉनसून के बारे में बोला जाए कि रेनफॉल जो है वो लेस देन हाफ द नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल होता है अगर उसके आधे में जाती है रेनफॉल, तो इसका मतलब वीक मॉनसून आप लोगों को देखने को मिल रही है। दूसरा बोला जाता है नॉर्मल मॉनसून, रेनफॉल जो है हाफ, रेनफॉल हाफ जो है टू लेस देन द, यह 1:1/2 टाइम्स द नॉर्मल मॉनसून, ठीक है। तो अगर ये वाला रेशियो आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इसका मतलब नॉर्मल मॉनसून है। एक्टिव मॉनसून कहां से होता है, जब यहां पर रेनफॉल रहता है ये 1:1/2 to 4 टाइम नॉर्मल के जब रहता है तब यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अगर काफी अच्छी है यहां पर ये मोर देन 4 टाइम जो नॉर्मल मॉनसून रहता है, तो ये एक तरीके से कुछ ऐसे आप लोगों से ये स्टेटमेंट देकर पूछ रहे हैं कहां पर वीक होती है कहां पर नॉर्मल होती है, ये भी पूछ रहे हैं कौन कौन सी कैटेगरी में नॉर्मली डिवाइड किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो। एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं, पहले बोला गया कि रेनफॉल जो है वो लेस देन हाफ द नॉर्मल मॉनसून, जो नॉर्मल मॉनसून रहता है उसकी अगर आधी बारिश होती है तो उसमें इसको वीक मॉनसून बोलते हैं। अगर आप लोग बोले यहां पर जो नॉर्मल मॉनसून के रहते हैं कि यहां पर बात की जाए जो रेनफॉल हो रहा है तो रेनफॉल हाफ से लेके लेस देन 1.5 गुना यानी कि 1.5 टाइम, ये बात की जा रही है जो नॉर्मल मॉनसून का होता है, तो उसका 1.5 गुना यानी कि नॉर्मल मॉनसून दब रहेगी जो रेनफॉल हाफ टू यानी कि 1.5 गुना तक रहे। जब बात की जा रही है एक्टिव तो यहां पर 1.5 से लेकर 4 गुना तक की बात की जा रही है, और जब रह रही है जो एक तरीके से काफी अच्छे वाली बारिश बोली जा रही है जिसको विग्रेस बोला गया है, ये 4 गुना तक आप लोगों को देखने को मिलेगी जो नॉर्मल मॉनसून होता है एक तरीके से उसका, ठीक है, रेनफॉल, ठीक है।
तो ये इस तरीके से आप लोग देखते हैं। बाकी अगर बात करूं यहां पर, यह है आईएमडी यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको आप लोग आईएमडी बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है जो हमारी कंट्री में काम करती है फोरकास्ट करने का, और इसी के साथ में यहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग, यहाँ पर आप लोगों को सिस्मोलॉजी से रिलेटेड यानी कि अर्थक्वेक के बारे में भी कुछ बातें आप लोगों को बताती है। मेन हेडक्वार्टर तो आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेगा, पर लेकिन एक तरीके से कई सारे लोकल एरिया में भी आप लोगों को रीजनल ऑफिस देखने को मिल जाएंगे, मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे। इसी के साथ में ये इंडिया और अंटार्कटिका वाले रीजन तक यहाँ पर ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ऑब्जर्वेशन देती है। अगर कोई बोले कि ओनली इंडिया के लिए काम करती है तो ऐसा कंफ्यूजन में नहीं आना है, इंडिया के लिए अकेले काम नहीं करती है। सिक्स जो रीजनल स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, यानी कि जब आप लोग WMO के बारे में बात करते हैं तो उसकी सिक्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसमें से एक आप लोगों को देखने को मिलेगा IMD, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा यहां पर फोरकास्ट नेमिंग और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, तो ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है, खासकर मलक्का स्टेट जो बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया और पर्शियन गल्फ हो गया, यानी कि इंडियन ओशन के जो आसपास वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा उसके सारे रीजन के लिए नॉर्मली यहाँ पर ये अपना रोल प्ले करती है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। एक अलग से कैटेगरी अब की बार यूपीएससी ने कहीं ना कहीं बना दी, कहीं ना कहीं ये सारे जो क्वेश्चन आप लोग के एग्रीकल्चर से रिलेटेड आए हैं, तो नॉर्मली एग्रीकल्चर आप लोग उसको बोल सकते हैं या फिर अलग अलग सेक्शन में भी आप लोग उनको डालकर बोल सकते हैं कि हाँ ये सेक्शन है, तो ये भी एक हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में बात की जा रही है, जिसको NCDC बोलते हैं, उसके द्वारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी यहाँ पर फंड की लगभग 19,444 करोड़ रुपए जो है वो छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना की खरीफ जो बेसिकली पेडी होता है, खरीफ पेडी जो होता है उसके प्रोक्योरमेंट के लिए दिए गए हैं। किसके रिलेटेड? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा यूज किया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एक तरीके से मार्केट का ऐसा प्राइस दे देना कि हाँ इससे नीचे मार्केट में आप लोग अपना प्रोडक्ट जो है यानी कि इससे नीचे न बेचे, इतने पर तो आप लोगों से गवर्नमेंट खरीदी लेगी। अगर कहीं और इससे ज्यादा आप लोगों का सामान खरीदने वाला मिल जाता है तो वहां पर जाकर आप लोग बेच लीजिए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि इतना तो मिनिमम गवर्नमेंट यहां पर देगी ही देगी। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है, जिसको NCDC आप लोग बोलते हैं, ये अपेक्स फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1963 का जो एक्ट था उसके थ्रू। तो ये स्टेचुटरी जो कॉरपोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो फार्मर वेलफेयर है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि प्लानिंग करना, प्रमोशन करना, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, लाइव स्टॉक, इससे रिलेटेड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को तय करना। ठीक है, तो नाम भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, बेसिकली नाम में भी सहयोग लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली नाम देखेंगे तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोग यहाँ पर देखते हैं इसका जो नाम है वो बोला गया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। ठीक है, तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो हिंदी में भी आप लोगों को कई बार थोड़ा सा डाउट हो जाता है, तो हिंदी में भी आप लोग थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया रखिए ताकि कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। नेक्स्ट जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में यहां पर बात कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट जो हमारी कंट्री का राज्य का जो एरिया है बेसिकली, अगर आप लोग मैप में देखिए तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो ये सात राज्य आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग आठवां यहां पर सिक्किम आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो टोटल मिलाकर ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य आप लोग इनको बोल देते हैं। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, जैसे पूछ लेंगे डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 क्या है, किससे लीडर, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट यहां पर जो बात की जा रही है तो उसके बारे में अगर बात करें तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर जो कि आल्सो चेयरमैन है यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है उसकी, तो उसके द्वारा यहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पर एक तरीके से कैलेंडर इवेंट है यहाँ पर, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, तो उसके द्वारा यहाँ पर ये प्रोग्राम है, जो कि ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को अदर पार्ट जो कंट्री का है उसके साथ में कैसे इसको आगे लेकर चलना है, उसके साथ में कैसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करना है, तो ये भी एक रीजन रहता है। इसलिए मैं भी आप लोग कई बार बोलता हूँ अगर टाइम मिले घूमने का कभी तो नॉर्थ ईस्ट जरूर घूम कर आइएगा आप लोग। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का एम ये है कि इंट्रोड्यूस करना है जो कल्चर है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की कंट्री के अलग अलग एरिया में, ताकि टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर हम लोग इसको आगे लेकर चल सके। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। इसी के साथ में जो थीम है ये बात कर रहा है द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। तो एक डिलाइटफुल डेस्टिनेशन इसको बताया गया यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग वे में एक तरीके से, यानी कि लोगों के अंदर कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर एक तरीके से लेकर आना ताकि वो यहाँ पर आना पसंद करें, तो इसलिए डिलाइटफुल वर्ड यूज किया गया यहाँ पर इसकी जो थीम है उसके अंदर भी।
तो इस तरीके से यहां पर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की जा रही है। और नॉर्थ ईस्ट जो यहां पर बेसिकली रीजन है हमारी कंट्री का, उसको हमेशा से कई बार न्यूज में आप लोग देखते हैं, तो यूपीएससी का भी फेवरेट रहता है। नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, वुमेन हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, ह्यूमन राइट के बारे में बात की जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली यूपीएससी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। यहां पर जो बात चल रही है, आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली जो पेटीएम है वो गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, तो अभी जो पेटीएम और गूगल की जो फाइट है उसको लेकर बात की जा रही है। तो फाइट अगेंस्ट गूगल, पेटीएम के द्वारा लॉन्च कर दिया गया अपना मिनी ऐप स्टोर जो है, यहां पर ये सपोर्ट करेगा इंडियन डेवलपर को, यानी कि जिस तरीके से आप लोग जाकर यहां पर जो एक तरीके से जो डाउनलोड करते हैं, तो उसी तरीके से यहां पर बात की जा रही है। आगे से जो ऑप्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, देखिए आज की डेट में जितनी लार्ज पॉपुलेशन हमारी है ना, आज की डेट में हमारी कंट्री एक यंग जनरेशन है और वो काफी लार्ज स्केल पर दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, तो हम लोग क्यों ना अपनी ही खुद के यूट्यूब जैसी अपनी ही एक प्रॉपर एक पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाकर चलें, इसी के साथ में खुद के जैसी हम लोग कुछ ऐसे ऐप प्ले स्टोर यहां पर होने चाहिए। अपनी ही कंट्री के लिए हम लोग क्यों नहीं काम करते हैं, जब हमारी कंट्री की जनरेशन एक तरीके से यंग जनरेशन है और इतना मास सेक्शन हमारी कंट्री का डिजिटल चीजें यूज कर रहे हैं। तो मिनी ऐप जो है यहां पर, ये कस्टम बिल्ट मोबाइल वेबसाइट होगी जो कि ऐप जैसे कि एक्सपीरियंस आप लोग कर सकते हैं बिना डाउनलोड किए हुए उनको HTML और जावा स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू। इनके न्यू सेक्शन यहां पर आप लोगों को पेटीएम के अंदर ही अब देखने को मिलेगा, जिसमें मिनी ऐप के नाम से यहां पर लिस्टेड रहेंगे और एक्सेस किया जा सकता है उनको, खासकर पेटीएम के यूजर्स के द्वारा। तो एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है पेटीएम के द्वारा, ऐसा आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये कुछ बातें हैं जो आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बात की जा रही है हमारी कंट्री में मछली पालन को लेकर, मछली पालन यानी कि मत्स्य संपदा। तो हमारी कंट्री में सेकंड एडिशन जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्कीम है, इसका सेकंड एडिशन देखने को मिला मत्स्य संपदा से रिलेटेड। तो जो यहाँ पर बेसिकली इसके रिलेटेड जो बेनिफिशियरी बुकलेट है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जिसको PMMSY के नाम से आप लोग जानते हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन प्रोवाइड कराएगी क्या क्या कॉम्पोनेंट है, क्या क्या एक्टिविटीज है यहाँ पर ये PMMSY स्कीम के अंदर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जो योजना है उसका एम है इन्हेंस करने के लिए जो फिशरी प्रोडक्शन होता है उसको, लगभग ये 220 लाख टन हमारी कंट्री में 2024-25 तक का ये टारगेट यहां पर रखा गया है। तो ये बेसिकली आज की डेट में ये जनता तक चीजें इसलिए पहुंचाई जा रही है ताकि इसके बारे में समझा जा सके, और ये भी एक ऑल्टरनेटिव फील्ड यहां पर देखने को मिल सकता है। जो यहां पर बेसिकली डिपार्टमेंट है, यहां पर जहां अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी जो है वो फिशरमैन और जो फिशर फार्मर है उन तक पहुंच रहा है और सिचुएशन को और अच्छे लेवल पर टैकल करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक ऑल्टरनेटिव एक जॉब और प्रोवाइड कराया जा सके। जो MBCS स्कीम है उसका रिजल्ट जो है वो डबल करने की बात की जा रही है। एक्सपोर्ट अर्निंग टू यहां पर लगभग ये 1 लाख करोड़ तक का, ठीक है, जनरेट करेगी यहां पर 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर में। तो ये बेसिकली आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लीजिए आप लोग कोई काम करने स्टार्ट करते हैं तो आप लोग को ये देखने को मिलते हैं कि उसके साथ में कई सारी चीजें अपने आप जुड़ने स्टार्ट जाती है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी ऐसा किया कि एक जीरोक्स कॉपी की दुकान आप लोगों ने लगाई, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसके आसपास में अगर आप लोग कोई ऐसा जीरोक्स कॉपी की दुकान लगा रखी है तो कोई दुकान वाला यहां पर आप लोगों को A4 साइज की सीट वहां पर प्रोवाइड कराने लगेगा। उसके साथ में अगर आप लोगों ने पता चला यहां पर कॉपी किताब पेंसिल भी रखना स्टार्ट कर दिए, तो इस तरीके की चीजें जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एक इन्वायरमेंट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर अगर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर दे तो फिर और अच्छा यहां पर देखने को आप लोगों को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक स्कीम है हमारी कंट्री में जो कि मछली पालन के बारे में बात करती है। इसी के साथ में जो खासकर जो कोस्टल एरिया के राज्य हैं उनके लिए काफी इंपोर्टेंट होती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था हमारी कंट्री में जो हाथी है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट थी यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा हाथी हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। तो हाथी मेरे साथी वाली बात यहाँ पर हो रखी है, तो ये बेसिकली आप लोग इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम लोगों ने वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में बात की, नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड हैबिटेट डे के बारे में हम लोगों ने बात की, नेक्स्ट जो न्यूज थी मैंने आप लोगों से मॉनसून के बारे में और IMD के बारे में बात की, इसी के साथ में मैंने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस की, नेक्स्ट हम लोगों ने पेटीएम के बारे में बात की और गूगल के साथ में क्या लड़ाई चल रही है वो समझा, NCDC क्या है उसके बारे में हम लोगों ने जाना, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने मत्स्य संपदा स्कीम के बारे में जानी। तो ये था डिस्कशन। आज मैंने क्विज नहीं डाला है, थोड़ा टाइम नहीं मिला, जो पुराना क्विज है एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उसके आंसर भी देख लेंगे। यहां पर जो बात की जा रही है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा DAP 2020 यहां पर रिवील की गई थी।
तो डीएपी ये बेसिकली फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है और किस ईयर में इसको स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है यूजर डिपोर्ट मॉड्यूल किसके द्वारा यहाँ पर रोल आउट किया गया, जिसको डिजिटल करने की बात की गई थी। एनसीपीसीआर क्या है, इसके बारे में आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसी के पास में यहाँ पर बात की जा रही है संवेदना, तो संवेदना क्या है, ऐसी स्टेटमेंट बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है एग्जाम में, संवेदना क्या है उसके बारे में स्टेटमेंट आप लोगों को दे देंगे या फिर किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एनआईएमएचएएनएस, ठीक है, तो ये है यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, कहाँ पर ये लोकेटेड है, अभी रिसेंटली न्यूज में था। कौन थे जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के 1998 से लेकर 1999 तक, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है। नेक्स्ट बात की जा रही है हर्षवर्धन हमारी कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा बोला गया कि 2.5% जीडीपी का खर्च किया जाएगा आने वाले टाइम में हेल्थ सेक्टर में, तो ये आप लोगों को बताना है कब तक करने की बात कर रहे हैं। आर्मेनिया और कौन सी कंट्री के बीच में अभी रिसेंटली लड़ाई चल रही है, तो जिसके बारे में आप लोगों को बताना था। आंसर देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर है डिफेंस एक्वाइजिशन प्रोसीजर, ठीक है, तो डिफेंस एक्वाइजिशन प्रोसीजर हमारी कंट्री में 2002 में स्टार्ट किया गया था। इंडियन रेलवे के द्वारा बात की जा रही है यूजर डिपोर्ट मॉड्यूल यानी कि भंडार के बारे में, जिसको कंप्लीटली डिजिटाइज करने की बात की जा रही है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड के बारे में बात करते हैं एनसीपीसीआर, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो यहां पर ये बच्चों को रिलेटेड बेसिकली हेल्प करने की बात की जा रही है, जिसके चलते संवेदना यानी कि सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वनरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो यह बेसिकली इसका एक तरीके से फुल फॉर्म। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है NIMHANS, तो यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, तो बेंगलुरु के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। श्री जसवंत सिंह के बारे में बात की जा रही है, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, तो ये डिप्टी प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं, ठीक है, सॉरी प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कुछ भी, ठीक है, तो याद रखना हल्का सा। तो 2.5% हमारी कंट्री में खर्च करने की बात की जा रही है 2025 तक हेल्थ के ऊपर, ठीक है। आर्मेनिया और अजरबैजान के ऊपर झड़प चल रही है यहाँ पर पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पर यह है नगरोनो और इसी के साथ में कारबक, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी और मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कराया, तब तक के लिए जय हिंद।